नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न में उसने एक टर्म यहाँ पर हमको दे दी है। क्या लिखा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक को हम 6 माही भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले सवाल में हमें 6 माही गणना करके इसको कैलकुलेशन करना है, यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगाना है। तो ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, होता ऐसे प्रश्न में है कि जो भी दर होती है उसका हम आधा कर देते हैं, उस समय होता है उसका 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल की 2 साल बन जाते हैं, 6-6 साल यानी 6 महीने में वो ब्याज उसमें जुड़ने लगता है, इसलिए हम समय को 2 गुना कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसमें मूलधन हमारा दिया गया है P = 800 रुपये। ठीक है, टाइम उसने हमें दिए ही नहीं, क्योंकि टाइम तो ही हमें निकालना है। तो टी बराबर, लेकिन क्या करेंगे हम, डबल टाइम निकालेंगे, 2 टी करेंगे। रेट दिया है 10%, जब इसका आधा करेंगे तो कितना निकलेगा, 5%। और तीसरी चीज दी है उसने अमाउंट कितना बन गया, 926.10 रुपये। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर मूलधन 1 + R/100 टाइम। ठीक है, अमाउंट है हमारा 926.10 रुपये, मूलधन है 8000 रुपये, 1 + अब दर क्या लेंगे हम, 5% दर लेंगे, और टाइम टी की जगह हम 2 टी लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब 8000 इसके नहीं किया जाएगा, तो 800 रुपये मूलधन था। ठीक है, तो यहाँ 800 रुपये बराबर 1 + इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 × 20 = 21, तो ये 21/20 बन जाएगा, तो पावर रहेगी 2t की। ठीक है, अब इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9261/8000 बराबर 21/20 का पावर क्या रहेगा, 2t। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 9261 और 8000 ये क्या होते हैं, किसी के घन होते हैं, तो 9261 21 का घन होता है और 8000 20 का घन होता है, और यहाँ पर कितना था, 21/20 की पावर 2t। ठीक है, इसको हमने 9261 को लिख दिया 21 की पावर 3 और 8000 को लिख दिया 20 की पावर 3। अब जब आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2t, तो t बराबर आ जाएगा 3/2 वर्ष। अब भाग भी लगाना चाहें तो 1.5 यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, तो जो चाहें आप आंसर लिख सकते हैं। लगाने का बेस्ट तरीका यही है कि जब गणना 6 माही हो तो हमें कुछ नहीं करना है, टाइम को डबल कर देना है, रेट को आधा कर देना है और बस अपना फॉर्मूले से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।